नाम है आपका? मैं प्रदीप सिंह अधिकारी, महासचिव हमारी जो ये समिति है रति देवता सेवा समिति, मैं इसका महासचिव हूँ। और आज यहाँ पे रविवार है और चुनाव का कारण पक्षी जो चुनाव है ना, और 19 तारीख थोड़ा कन्वीनियंस और रुकता समय नहीं मिली या गाड़ी नहीं मिली, वही का कारण बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। और आज आपने बोला लगा कि आज हजारों की संख्या में लोग आज पहुँचे ना। क्या क्या मान्यता है यहाँ पे जो काफी लोग भीड़ लगी हुई है? दर्शन देवता की मान्यता ये है कि इतने पर्चाधारी देवता है, जो भी एक दरबार में उनकी मनोकामना मेरे ख्याल लगभग पूरी होने तभी इतनी आस्था और लोग या खाता देश और विदेश में विशेष रति देवता की सेवा होना, ये एक खास मान्यता और पर्चाधारी देवता या रति देवता का बोलना कि ये पर्चाधारी है, ये का दरबार में आज तक कोई खाली नहीं। ये रति देवता यही क्या है कि पूरे आज गढ़वाल मंडल में सब जगह छाया हुआ है और यहाँ जो भी आता है वो उनकी सबसे बड़ी बात है कि उनकी मनोकामना जो भी लेके आते हैं वो पूर्ण होती है। और उससे पहले यहाँ पे बलि प्रथा भी थी, बलि प्रथा में सभी लोगों ने अपने भागवत करा के उस बलि प्रथा को खत्म कराया। उसके बाद आज आप देखेंगे कि यहाँ तक कि आप नेपाल से भी लोग आ रहे हैं, सहारनपुर से आ रहे हैं, ऋषिकेश से आ रहे हैं, देहरादून से आ रहे हैं, पौड़ी से लोग आ रहे हैं कि उनकी कई ऐसी मन्नतें थी जो कभी पूरी नहीं हो पा रही थी। अब कुदरती उनको एक दो बार यहाँ पे आए हैं तो जैसे ही उनकी मन्नत पूरी हुई तो तब से वो उन्होंने उसका प्रचार प्रसार भी किया और लोगों को भी साथ दिया, ये इसका ज़्यादा हो रहा है। तो क्या मान्यता है, किस तरह से ये स्थापित हुआ यहाँ पे? स्थापित ये था कि ये तो बहुत लंबी कहानी है और इसको हम पूरा प्रॉपर देंगे वो हम है ना, मोटा मोटा क्या है कि जो स्थापना कर रहे हैं तो उसमें हम उसकी किताब भी निकाल लेंगे, सभी लोगों की किताब भी निकाल लेंगे, उसको बताने में आपको थोड़ा लंबा समय लग जाएगा। मैंने क्या मेन क्या है कि जो शुरुआत हुई थी उसकी ऐसे हुई थी कि हमारे हैजा बीमारी चली थी, ये हमारे परदादा थे तो उस टाइम क्या था कि वो अकेले थे गाँव में, लाशों की लाशें बिछी थी तो वो उनको ढोते ढोते घाट तक लाश में जब दूसरे तीसरे दिन उनकी हिम्मत टूट गई, कभी बहुत ज़्यादा मतलब उसको गिन नहीं सकते, हैजा की बीमारी ऐसी पूरी फैली थी। उसके बाद जाते जाते वो यहाँ से सीधा जब तक खुद एक जगह एक पार में दिखने लगी वो गए और वो पेड़ करने से जाना थोड़ा आराम करने बैठ गए, वे का बाद वो खत्म हो गए और वे का बाद ही हर घर में हर ध्यान पर नाचन लगे, ये की शुरुआत रही। क्या क्या मन्नत पूरी होती है यहाँ पे? देखो जी मन्नत की बात तो ये है कि किसी ने नौकरी की मन्नत करी है, किसी ने बच्चों की करी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि जो यहाँ पे लोगों की पूरी होती है। और जैसे आज कई बार हमने ये भी देखा है कि अभी एक उदाहरण के लिए मैं देता हूँ कि दिल्ली से एक हमारे ज्वेलर हैं वो यहाँ पे दर्शन करने आए तो कोबरी एक ये नहीं मन्नाड़ से लगी और देवता नाचे, उसने बोला बेटा अभी तो ट्वेन मन्नाड़ लगा ही सब कुछ करेगी मगर मेरा इतना तारीख मेरा घर पर चोरी होना, मगर वो पौड़ी से आए हुए थे मगर उन्होंने विश्वास नहीं किया इस बात को कहाँ परवा रही है। और उसके बाद जब वो एक महीना का एक दो दिन भगवानी एक दिन भगवानी जब चोरी हुई की दोबारा खुद आई फिर कोबरी बहन ने ये बात सुनी बोला हकम लेने की नहीं नहीं श्रीनगर से उन्होंने, हमने जो भी अभी तक हमारी मन्नत मांगी